नमस्कार, न्यूज इंडिया के खास कार्यक्रम जायजा मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों का में मैं अनुराग उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसी के साथ ही सभी प्रदेशों में चुनावी बिसातें बीत चुकी है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने सरकार बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश में चुनाव 28 नवंबर को है और इसका परिणाम 11 दिसंबर को आएंगे, तो देखने की बात रहेगी कि मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी और कौन मुख्यमंत्री का ताज पहनेगा। आज के कार्यक्रम में हम जायजा ले रहे हैं मध्य प्रदेश की नागदा विधानसभा सीट का। इस विधानसभा क्षेत्र से इस समय विधायक बीजेपी से दिलीप सिंह शेखावत हैं। ये पहली बार विधायक बने हैं। नागदा विधानसभा में कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व है, शायद यही कारण है कि यहाँ बीजेपी से सिर्फ 2 बार ही विधायक चुने गए हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि इस बार यहाँ बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर रहेगी। बिना देरी के चलिए आपको लेकर चलते हैं मध्य प्रदेश की नागदा विधानसभा क्षेत्र में, जहां मध्य प्रदेश न्यूज इंडिया के स्टेट हेड इकबाल अली ने नागदा विधानसभा क्षेत्र का जायजा लिया और लोगों की राय जानी। पेश है खास कार्यक्रम जायजा मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों का। न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है, मैं इकबाल अली। जी हाँ, 230 विधानसभाओं पर होने वाले चुनाव पर न्यूज इंडिया की टीम आज पहुंची है नागदा शहर के अंदर। नागदा विधानसभा है जिसके हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप, बीजेपी के लोग हमारे साथ मौजूद है, यहाँ पर आम पब्लिक भी मौजूद है। जिस तरीके से देख सकते हैं कांग्रेस भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। इनसे सीधी बात करेंगे, बिल्कुल सीधी बात करेंगे, क्या विकास के नाम पर क्या राजनीति हो रही है, क्या चीज़ को लेकर हम बात करेंगे। सीधे हमारे साथ बीजेपी के मौजूद है यहाँ पर। जी, सबका साथ सबका विकास, ये भाजपा का राज। हमने अंतिम पंक्ति तक के व्यक्ति होगा विकास करा है और आने वाले समय में जो कुछ बचा है उसको और आगे हम ले जाएंगे, विकास की गंगा को बहाएंगे। खाचोद नागदा में इतना विकास हुआ है, हमारे सामने मित्र कांग्रेसी मित्रगण बैठे हुए हैं, अब ये बताएं कि यहाँ पर कौन सा विकास नहीं हुआ है, उस विकास को हम चुनाव के बाद में करेंगे। चलिए, मेरे साथ यहाँ पर कांग्रेस भी मौजूद है, मैं उनसे बात करूंगा कि विकास। जी, क्या नाम आपका? मैं सुबोध स्वामी, जिला कांग्रेस अध्यक्ष हूँ। कहने को ये धोती वावई लूटने को विकास का नाम देते हैं। सबसे प्रमुख मुद्दा इनका था, जनता से वादा किया गया था कि नागदा को जिला बनाएंगे शासन में आने के बाद। नागदा जिला आज नहीं बनता, मुख्यमंत्री चुनाव के पहले आके ये घोषणा करते हैं कि मैं जिला बनाने का अभियान चलाऊंगा। अभियान तो जनता चलाती है, मुख्यमंत्री तो पालन करता उस अभियान का। जनता को भ्रमित करने के लिए जिला बनाने का अभियान की बात करी। कांग्रेस के पास में ढेरों मुद्दे हैं जिनको लेकर विधानसभा चुनाव में हम जाएंगे। सबसे पहला नागदा को जिला बनाने का मुद्दा, दूसरा क्षेत्र में जो बेरोजगारी फैली हुई है उसको लेकर महिला उत्पीड़न का मुद्दा, तीसरा मंदिरों और मस्जिदों के नाम पर जो इनने राजनीति करी वो वाले मुद्दे हैं। ऐसे कई मुद्दे हैं जिनको लेकर असामाजिक तत्वों का सारे मुद्दों पर बात करेंगे, विकास की बात हो रही है यहाँ पर। विकास के नाम पर भ्रष्टाचार हुआ है और वो भ्रष्टाचार आम जनता के सामने खुला प्रमाण है जिसको लेकर जनता। चलिए, ये विकास को लेकर बात हो रही है, मैं दूसरी बात। जी, क्या जवाब देना चाहेंगे? जिस प्रकार से इनका आरोप है कि विकास को लेकर भ्रष्टाचार हुआ है, सबसे पहली बात तो यह है कि कांग्रेस इस बात को स्वीकार करती है कि विकास हुआ है, और जहां विकास हुआ है वहां पर विपक्ष की अपनी एक भूमिका होती हम देखते हैं कि वो आरोप लगाते हैं। पर प्रश्न ये खड़ा होता है कि आज तक ये एक भी भ्रष्टाचार को कहीं से कहीं तक प्रमाणित नहीं कर पाए। ये न्यायालय तक गए, हाई कोर्ट तक गए, सुप्रीम कोर्ट में भी कई मामले लेकर गए, लेकिन कहीं पर भी न्यायालय ने भी इनके आरोपों को कहीं प्रमाणित नहीं किया। इससे ये प्रमाणित होता है कि कांग्रेस जितने आरोप लगाते हैं वह सब झूठे हैं और निराधार है। विकास के अंदर ये बाधा पैदा करते हैं और सहयोग करने का कोई नीति इनकी नहीं रहती। विपक्ष की जो नीति होना चाहिए, जो एक सहयोग रवैया होना चाहिए, वो कांग्रेस में दिल्ली से लेके जमीन में नागदा तक कहीं से कहीं तक नजर। नागदा को जिला बनाने की बात हो रही है, नागदा को जिला बनाने की जहां तक बात है, हम भी चाहते हैं कि नागदा जिला बने। मुख्यमंत्री जी ने उसकी कार्रवाई प्रारंभ करने की बात कही है और निश्चित तौर पर नागदा जिला बनेगा। लेकिन जहां तक कांग्रेस एक बात करती है, लगातार यहां पर 10-15 साल तक यहां के कांग्रेस के विधायक रहे हैं और उन्होंने यहां विकास खंड का जो दर्जा मिलना चाहिए नागदा को वो नहीं दिलवा पाए। जिला की बात करते हैं, यहां पर जिला तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर दिलाएगी, लेकिन विकास खंड भी ये नहीं बनवा पाए, उसको भी भारतीय जनता पार्टी विकास खंड भी यहाँ पर नागदा में बनवाएगी। क्या सीधी बात करते हैं कांग्रेस की यहाँ पर? जी, निश्चित तौर पे
ये जो विकास की बात कर रहे हैं, मेरे को ही बोलने दो भैया, विकास जरूर हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और जनप्रतिनिधियों का विकास हुआ है। जो कल तक साइकिल और मोटरसाइकिल पे घूमते थे, आज वो बड़े बड़े गाड़ियों पर, जो तीन तीन मंजिला मकान और बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां उनने करी है, निश्चित उनका विकास हुआ है। लेकिन नगर की जनता आज ठगासा महसूस कर रही है कि यहाँ की जनता भीषण प्रदूषण से ग्रसित है। यहाँ की हवा, पानी सब कुछ दूषित हो चुका है और यहाँ चंबल नदी के अंदर उद्योगों का जहरीला रसायन रिस के आता है और यहाँ की जनता इस पानी को पीने के लिए मजबूर है। यहाँ की नगर पालिका, खाचोद नगर पालिका, नागदा नगर पालिका, दोनों नगर पालिकाएं ये दावा करती हैं कि हमारा जो फिल्टर प्लांट है उच्च तकनीक पर आधारित है। पॉल्यूशन बोर्ड के जो सैंपल आए हैं पानी के, वो भी पूरे नेगेटिव सैंपल हैं। उसके अंदर भी काफ़ी भारी मात्रा में अशुद्धियां और हैवी मेटल्स पाए गए हैं। और वर्तमान की स्थिति ये है कि पिछले 6 दिन पहले चंबल नदी पूरी काली हो गई। काली होने की वजह यह थी कि नागदा का जो उद्योग है लेंसेक्स उद्योग, उसके द्वारा भारी मात्रा में महत्वा क्षेत्र से जहरीला रसायन छोड़ा गया और चंबल नदी पूरी 5 किलोमीटर तक काली हो गई। और नगर पालिका उसी पानी को सिर्फ फिटकरी डाल के सेटल करके उस पानी को पिला रही है और ये उस पानी की स्थिति है। ये 2 लाख की जो पॉपुलेशन है वो सारी जनता इसी पानी को पी रही है। वो पीपी के बीमार हो रही है, छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ पे कैंसर, हेपेटाइटिस, अस्थमा, हार्ट अटैक, खुजली जैसी बहुत सारी बीमारियाँ छोटे से लेके बड़े लोगों तक हो रही है। 1 किलोमीटर दूर पर सर मानते हैं कि सरकार बहुत योजनाएं करती है, जो बीमार हो जाता है उनको राहत पहुंचाती है। हाँ। कि कहीं ना कहीं सरकार भी इसमें दोषी है, मानते हैं कि आप जहरीला पानी जनता तक पहुंच रहे हैं? बिल्कुल, सरकार पूरे हर तरीके से सरकार दोषी है। यहाँ पे इवन जो उद्योग के अंदर ठेका श्रमिक जो काम करते हैं, उन ठेका श्रमिकों की तनख्वाह में से हर माह 300 से 400 रुपये ईएसआई फंड के नाम पे काटा जाता है। यहाँ के जो अस्पताल है वो अस्पतालों की हालत ऐसी है कि वहाँ के वहाँ उनको इलाज नहीं मिलता है और वो मजदूर ठेका श्रमिक जो है वो यहाँ से भागते हुए इंदौर उज्जैन की तरफ जाते हैं मेडिक्लेम के चक्कर में, और वहाँ इलाज करवा के जब वापस आते हैं तो उनको यही ऐसा ही है। और यही शिवराज सरकार क्या बीमारी उनको बताते हैं? यहाँ पे स्थिति ये बनती है कि कैंसर, अस्थमा, हार्ट अटैक, खुजली और ब्रेन हेमरेज जैसी गंभीर बीमारियां, मतलब वो सबसे बड़ा यहाँ पे मुद्दा ये है कि कम उम्र के नौजवानों को 35 से 40 45 साल की उम्र के लोगों को यहाँ पे अटैक आता है। यहाँ पे आप जो जीवन जो दर है यहाँ की बहुत कम है, मृत्यु दर बहुत ज्यादा है यहाँ पे। और यहाँ के योजना एवं सांख्यिकी विभाग के जो आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले हैं। जितने लोग यहाँ पैदा नहीं होते उससे कहीं ज्यादा लोग यहाँ पे मर जाते हैं। सरकार कोई संज्ञान नहीं लेती है। यहाँ के सांसद, विधायक, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं सबके सब यहाँ उद्योग में गिरवी पड़े हुए हैं और कोई किसी को जनता का कोई ख्याल नहीं है इलाज के नाम पे। कोई रोजगार तो कोई मिला ही नहीं है। सभी बाहर से लोग आके, राजस्थान वगैरह से लोग आके काम कर रहे हैं। स्थानीय लोग सब बेरोजगार हैं यहाँ पर। गांव में भी जो हमारे 14 गाँव प्रदूषण के है, वो मैं खुद, मेरा गाँव भी प्रदूषित में आता है। मुखड़ी गाँव यहाँ से 15 किलोमीटर है। वो हमारे गाँव का भी एक भी लड़का कोई भी यहाँ बेरोजगार कोई भी काम या फैक्ट्री में नहीं करता है। सभी इनकी बात, पानी की बात आ रही है। हाँ, पानी यहाँ पर बहुत प्रदूषण कर रखा है और हमारे जो यहाँ से जो ये गंदा पानी निकल रहा है ये हमारे गांव में आ रहा है। यहाँ से 14 किलोमीटर तक ये नदी पूरी प्रदूषित कर रखी है। ना तो उस पानी को हम पी सकते हैं, ना ढोर पीते हैं, ना कोई जानवर पीता है। इसी बुरी स्थिति को हमारे खेती की जो जमीन है वो भी आज इतने 50 साल हो गए फैक्ट्री को, 60 साल। कितनी आबादी है? मेरे गाँव की 2200 आबादी। क्या पानी कहाँ से इस्तेमाल? पानी नहीं है, बड़ी मुश्किल से कुएं से इधर उधर से ला के पीना है। जबकि इसका नियम यह था कि फैक्ट्री को पानी वहाँ हमारे गांव तक पहुँचाने का है, उसको लिख रखा है 14 गांव का कि 14 गांव को पानी इनको देना है। तो वो योजना भी अधर में पड़ी हुई है। आज तक कोई पानी नहीं मिला और कुछ भी नहीं, और हमारी नदी और हमारी खेती की जमीन बंजर हो रही है। हम खेती उसको सिंचाई में पानी ले रहे हैं उपयोग, हमारी जमीन मतलब बेकार हो चुकी है। यहाँ पर शिक्षा की बात करते हैं, जी क्या बोलना चाहिए? मैं सज्जन सिंह शेखावत, उपाध्यक्ष नगर पालिका। मेरे कांग्रेस के मित्र जो पार्षद भी हैं, विकास की बात करते हैं। विकास और विकास, इनके पास केवल भ्रमित करने के अलावा कोई बात नहीं है। भैया सुन ले, आशाराम चुप, भ्रमित करने के लिए अलावा कोई बात नहीं। इन्होंने पूरे लगातार 3 बार इनके यहाँ पर एमएलए रहे, उसके बावजूद भी यदि इन्होंने एक ईंट भी इस शहर में लगाई हो, इस शहर के जर्रे जर्रे पर विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया। जिले की ये बात करते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने आके और कहा कि वो परीक्षण कराएंगे, तो इसलिए कहा
कि इनके महितपुर के नेता कहते हैं कि महितपुर को जिला बनना चाहिए कांग्रेस के नेता, इनके खाचरोद के नेता कहते हैं कि खाचरोद को जिला बनना चाहिए, जबकि नागदा में भारतीय जनता पार्टी के चाहे खाचरोद के हों चाहे महितपुर के हों चाहे आलोट के हों सारे नेता कहते हैं कि नागदा जिला बनना चाहिए, पहले ये तय तो कर ले कि महितपुर को बनाना जिला कि खाचरोद को बनाना, जबकि मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि परीक्षण के उपरांत नागदा जिला बनेगा और 100% नागदा जिला बनेगा। टाइम सुनिए मेरे सुनिए एक मिनट, मेरे पास सबके पास आऊंगा, सबके पास आऊंगा सबके पास। नागदा के लोग क्या कहते हैं नागदा जिला बनेगा, हमारा विधायक दिलीप गुजर बनेगा उस दिन, नागदा एक साल में जिला बन जाएगा। हमारे यहाँ पे नागदा में इन्होंने इनकी मंडी समिति इनकी है, इनके व्यापारी इनके नेता और पूरी मंडी खत्म कर दिए। नागदा के सभी बाहर किसान बाहर जा रहे हैं माल बेचने, और यहाँ का बस स्टैंड था, बस स्टैंड को पूरा शिफ्ट कर दिया, यहाँ पूरे व्यापारी 50% का व्यापार हो गया है, और 10 मिनट रोकने की इनसे मांग करी वो भी पूरी नहीं करी इनने। किसानों की बात आ गई है, किसानों की बात करता हूँ। जी बताइए। किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 0% ब्याज के ऊपर किसानों को पैसा दिया है, और किसान यूरिया के लिए किसानों ने जो सब्सिडी मिलती 10% माफ किया है, और किसान भावांतर योजना किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी लेके आई है। कांग्रेस ने आज तक किसानों के लिए किया क्या है जो किसानों की बात करते हैं? कांग्रेस ने किसानों के लिए क्या किया है? आप बैठिए अपनी जगह पे। किसानों ने कांग्रेस के लिए क्या किया है? मैं सीधा सवाल लेना चाहूंगा किसानों। हेलो साथियों, जैसा कि मेरे भाई भारतीय जनता पार्टी के कह रहे हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं करा, अरे कांग्रेस ने यहाँ पे महाविद्यालय खुलवाया, कांग्रेस ने यहाँ तहसील खुलवाई, कांग्रेस ने यहाँ फिल्टर प्लांट खाचोद के लिए खुलवाया, और आपको एक मिनट मैं और 94 में, अरे सुनो यार एक मिनट, 94 में देखिए, शांति से बिल्कुल शांति से जवाब लीजिए, आप लोग बहस करिए, शांतिपूर्वक बहस करिए, विकास की बात करिए, यहाँ पर विकास की बात करिए आप लोग, बिल्कुल जिस तरीके से समझाऊंगा बिल्कुल मैं आना चाहूंगा किसानों के पास यहाँ पर। देखो हेलो, मैं अजय शर्मा मंडल अध्यक्ष बिरलाराम, ये विकास की बात करते, विकास होता क्या है? यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र है, रोजगार की बात नहीं करते हैं, स्कूलों में शिक्षक नहीं है, ग्रामीण बड़ा गांव जाके जाके थावरचंद जी गहलोत सामाजिक न्याय मंत्री केंद्रीय उनने गोद ले रखा है। अभी कुछ महीनों पहले वहां के बच्चों ने आवाज उठाई थी कि हमारे स्कूल में टीचर नहीं है, और हमारा साल भर से वो टीचर जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है उसके टीचर ही और एग्जाम ले रहे हैं। हम पढ़ाई करनी है ना तो हम एग्जाम में लिखेंगे क्या? दूसरा बात करते हैं रोजगार की, कितने बेरोजगार यहाँ पे पलायन कर रहे हैं, गुजरात जा रहे हैं, यहाँ कौन सा रोजगार दे दिया इन लोगों ने? क्या सड़क खोद के सड़क पे सड़क बनाने का विकास कहते हैं? शिक्षा की मैं आऊंगा, शिक्षा की बात हो रही है यहाँ पर, शिक्षा की बात हो रही है। मेरा नाम राम सिंह शेखावत है। शिक्षा के क्षेत्र के अंदर आजादी के बाद में जो स्कूल बने थे उन स्कूलों की जो संख्या थी उतनी संख्या के बरोबर स्कूल नए भवन बनाए गए हैं, उतनी संख्या के बरोबर भवन बनाए गए हैं। जहाँ स्कूलों को उन्नत किया जाना चाहिए वहाँ सारी कार्रवाइयाँ हुई है। जो स्कूल गड्ढों के अंदर चले गए थे, लोग बच्चे पेड़ों के नीचे पढ़ रहे थे, उनको भवन उपलब्ध कराए गए हैं। जो जर्जर भवन हो चुके थे उनको रिपेयरिंग करने का काम हुआ है। जहाँ पर शिक्षक नहीं थे वहाँ पर शिक्षकों की व्यवस्था की गई है, और तो और उनको शिक्षा कर्मी बना दिया गया था कांग्रेस के द्वारा। जो गुरुजन थे मैं आऊंगा आपके पास आऊंगा, बिल्कुल बात करता हूँ यहाँ पर आम आदमी पार्टी मेरी शिक्षा के हालात और चिकित्सा की हालत तो यहाँ बहुत बुरी तरह से है। कन्या विश्वविद्यालय की मांग बहुत चल रही है, जब तक पूरी नहीं हुई है। जहाँ तक हमारे यहाँ के लोगों ने रोजगार के लिए बात किया, रोजगार के लिए बोलना चाहता हूँ मैं कि 2014 के अंदर यहाँ पर संविदा की हड़ताल हुई थी, उसके अंदर हमारे यहाँ पर कथाकथित नेता आए थे, उन्होंने मैनेजमेंट के और मजदूर के बीच में बीच का काम करके हड़ताल को उन्होंने बंद करवाया था। लेकिन उसके बाद में हमारे कथित निश्चित रूप से जो नेता थे वो मैनेजमेंट के साथ मिलकर उन्होंने आज तक उसको कोई उठाया नहीं, और उसके बाद में हमारे वर्तमान विधायक थे उन्होंने भी आज तक 20% भर्ती का उन्होंने कोई
आज तक 5 साल हो गए, कुछ जवाब नहीं दिया उसका। चलिए मेरे साथ आम आदमी पार्टी भी यहाँ पर कांग्रेस पे आना चाहूंगा बिल्कुल। यहाँ पर लोग जी भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि हमने विकास किया। विकास क्या करते हो आप? वार्ड नंबर 32 में एक शौचालय का दरवाजा नहीं लगा सके, और कौन सा विकास कर रहे हो आप बताओ हमें विकास? आप हमारी देश के प्रदेश की बेटियों को सुरक्षित नहीं रह सके हो। आज हमारे छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, उनका क्या कसूर है? और शिवराज सिंह चौहान बोलते हैं मैं मामा हूँ, मामा मामा नहीं, वो मामा कंस है। वो हमारी बेटियों के साथ बलात्कार का विकास कर रहे हैं, ये विकास का नाम है क्या बताओ? कौन सा विकास है जी? यहाँ पर बिल्कुल सीधा सवाल मैं कहूँगा, यहाँ पर लेना चाहूंगा जी। शौचालय में दरवाजा इनके सामने ले जाके और लगा है, और इनको मैंने पूरा मीडिया को ले जाके भेजा है, और वो सारे दरवाजे लगे हैं, और तो और पूरी झुग्गी झोपड़े में 9000 झुग्गी झोपड़े में पूरा झुग्गी झोपड़े में नल कनेक्शन दिया है। नल कनेक्शन देने की बात हमने 9000 झुग्गी झोपड़े में करी है। और ये जो बच्चियों के साथ कर रहे हैं, तो हिंदुस्तान का पहला प्रदेश ऐसा है जिसने बलात्कार करने पर फांसी की सजा का नियम बनाया, वो पहला सबसे ज्यादा है। चलिए यहाँ पर मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है। विकास के नाम पे बस यहाँ के भाजपा के नेताओं का विकास हुआ है, और किसी का विकास नहीं हुआ, केवल भाजपा के नेता और फैक्ट्री के दलालों का विकास हुआ है। आज जाके युवाओं की नौकरी क्यों नहीं लग रही है? इन नेताओं के बच्चों की नौकरी क्यों लग रही है? चलिए मैं आपका जवाब ले रहा हूँ जी। मैं बोलना चाहूंगा, कांग्रेस के लोग हमारे बोल रहे हैं युवा बेरोजगार कहाँ पे? जो पढ़ लिख के निकलेगा अपने प्रयास करेगा, नौकरियों की भरपूर संभावना है। कांग्रेस के विधायक ने कहा था एक वोट वीआरएस पे चोट। कांग्रेस के समय में शासनकाल के अंदर कम से कम 7000 लोग बेरोजगार हुए, 7000 लोग बेरोजगार हुए। चलिए सपाक्स यहाँ पर सपाक्स मेरे साथ मौजूद है, सपाक्स पार्टी मौजूद है। मेरा सब आप लोगों से निवेदन ये है कि नागदा शहर की जो पॉपुलेशन है, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े बोल बचन वाले वादे करती है कि हम लोगों ने इतने करोड़ रुपए का फिल्टर प्लांट लगा रखा है, और पानी की स्थिति है पूरा नागदा, पूरा खाचोत, पूरी विधानसभा है पानी पीती है, ठीक है? और इस पानी के अंदर इन लोगों का भ्रष्टाचार झलकता है। और एक बात और मैं आपको कहना चाहता हूँ, नागदा जो टप्पा तहसील जो है, यहाँ पे महिला और पुरुष वहाँ पे अपनी तारीखों पे जाते हैं, वहाँ पे एक शौचालय नहीं बनवा पाए लोग, और बड़ी बड़ी बातें करते हैं लोग। चलिए शौचालय की बात आ रही है जी। केवल और केवल झूठे गुमराह करने के बाद मैं तो इनसे प्रश्न कर रहा हूँ कि एक भी बताए कि इन्होंने 15 साल में कितने शौचालय बनाए, कितने वादे इन्होंने, ये बेरोजगारी की बात करते हैं, 3200 लोगों को वीआरएस के माध्यम से इनके विधायक रहते हुए इन्होंने कहा था एक वोट वीआरएस को चोट। बीसीआई चालू कराऊंगा फिर विधानसभा जाऊंगा, क्या हुआ उनके वादों का? चलिए यहाँ पर एक बार और मौजूद करूंगा, यहाँ पर मौजूद करता हूँ जी। साथियों ये मध्य प्रदेश की सरकार, एक मिनट, मध्य प्रदेश की सरकार ने बोला था मैं मजदूर होने के नाते, एक मिनट यार शांति से, ये मध्य प्रदेश की सरकार प्रोपोजल टैक्स माफ करने की बात करती थी, हर चुनाव में प्रोपोजल टैक्स शिवराज सिंह माफ करने की बात करते हैं, मजदूरों का प्रोपोजल टैक्स आज तक माफ नहीं किया है, ये झूठे वादे करते हैं मजदूरों का प्रोपोजल टैक्स। चलिए यहाँ पर मैं आम जनता से बात करना चाहूंगा, बिल्कुल जनता से बात करना चाहूंगा, सीधे विकास की बात करना चाहूंगा। मैं आऊंगा आप लोगों के पास, शांतिपूर्वक बैठिए, आऊंगा मैं आपके पास जी। नागदा नगर में विकास तो बहुत हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी बहुत विकास कर रही है। मेरी बात सुन लो, विकास तो बहुत हो रहा है, जुए शराब के अड्डे चल रहे हैं, और एक मिनट मेरी बात सुना, एससी एसटी एक्ट में मेरी बात सुनना, एक निर्मम हत्या हुई है वहाँ पे, आज भी उसका पुलिस प्रशासन इनके दबाव में काम कर रही है, पूरी पुलिस प्रशासन इनके दबाव में काम कर रही है। चलिए बात सीधी कांग्रेस पे बात आ रही है, बीजेपी पे जी। सीधी बात है
कि शिवराज सिंह जी चौहान और नरेंद्र मोदी जी ने इतने काम कर दिए कि इनके पास कोई व्यवस्था, केवल जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन पे है ये और वेंटिलेटर पे है, कोई मुद्दा नहीं है, काम तो इतना कर दिया है, पूरे देश में साफ हो गया। अरे आपकी बार 200 बार, ये नारा है आपके बार 200 बार।